चलिए दोस्तों, ये सीएमए इंटरमीडिएट का टैक्स का पेपर है, डायरेक्ट टैक्सेशन, जो जून 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ये टोटल 100 नंबर का है। इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 7 में से 5 करना पड़ता है। तो आपके पास चॉइस बहुत है, तो ऑब्वियसली सिलेबस अगर आप कम भी करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि चॉइस है आपके पास। खैर, सेक्शन ए जिसमें क्वेश्चन नंबर 1A, फाइंड द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्संस इज, आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सी का 7। और मैंने जो फास्ट ट्रैक बुक लिखी हुई है और मैंने आपको बताया है, वो फास्ट ट्रैक बुक में हमने सब कुछ लिखा हुआ, आइए दिखाता हूं मैं आपको फास्ट ट्रैक बुक। तो ये हमारी फास्ट ट्रैक बुक है, असेसमेंट ईयर 17-18 का, असेसमेंट ईयर 18-19 का भी आएगा ही। मैं कौशल कुमार अग्रवाल, चलिए देखते हैं। ये फास्ट ट्रैक बुक का पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट, सेक्शन 1-4, इसमें हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम लिख दिया, फिर डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के 5 एक्सेप्शन थे, 172, 174, 174A, 175, 176, और डेफिनेशन ऑफ पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो आंसर क्या आएगा, 7 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए, तो ये आंसर सी आएगा। सेकंड, ए ट्रस्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अकॉर्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 11 व्हेन द कमर्शियल एक्टिविटीज इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स। इन्होंने असेसमेंट ईयर 17-18 के हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इन्होंने पुराने असेसमेंट ईयर के हिसाब से ऑप्शन दे दिया, तो उसका आंसर बी आएगा, 25 लाख, पुराने असेसमेंट ईयर के हिसाब से। लेकिन 17-18 का अगर असेसमेंट ईयर देखें तो मैं दिखला रहा हूँ, 17-18 में ये चेंज हो गया, ये कॉन्सेप्ट ये अगेन फास्ट ट्रैक में मैं दिखला रहा हूँ आपको, चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, मीनिंग ऑफ चैरिटेबल पर्पस लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ चैरिटी, यहाँ रिलीफ टू द पोअर REMPY ऐड हुआ है, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में REMPY बोलता हूँ, रिलीफ टू द पोअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट और मॉन्यूमेंट्स एंड योगा। इसमें इसका कोई एक्सेप्शन नहीं बनाया गया, एक्सेप्शन किसका बनाया गया, एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इफ अमाउंट फ्रॉम स्पेसिफाइड एक्टिविटीज अप टू 20% ऑफ टोटल रिसीट्स देन चैरिटेबल माना जाएगा, एक्सीड्स 20% ऑफ टोटल रिसीट्स तो नॉन चैरिटेबल माना जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये आंसर गलत है, क्वेश्चन ही गलत है इनफैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए इज डैश ऑफ NAV, ऑब्वियसली आप सबको पता है ये ए आंसर आएगा, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। लेकिन अगेन एक बार फास्ट ट्रैक देखते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन कौन सा है, 22 से लेकर 27। अब इसमें दो डिडक्शन होते हैं सेक्शन 24 में, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो 30% ऑफ NAV है, और इट इज ऑटोमेटिक डिडक्शन, अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ है तो ये डिडक्शन माइनस होके रहता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कब नहीं होता है, जब NAV नील और नेगेटिव हो। और 24B कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलिए ये भी हो गया, आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, फोर्थ देखते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ बिजनेसमैन फॉर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ। अब ये रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर किस में क्लासिफाई होगा, बिल्डिंग में, फर्नीचर में, प्लांट एंड मशीनरी में, या इनटेंजिबल एसेट्स में। तो आपको पता ही है ये प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट होगा, और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 60% एज डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। आइए मैं फास्ट ट्रैक भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, डेप्रिसिएशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, ब्लॉक ऑफ एसेट, एलिजिबल एसेट्स एंड इट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग सारे रेट दिए हुए हैं, फर्नीचर और फिटिंग रेट दिया हुआ है, जनरल रेट है, स्पेशल रेट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी ये देखिए यहाँ पर होना चाहिए, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितना है, 60%। ठीक है, आइए, द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर ए रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 80 इज कितना है, बेसिक एग्जेम्पशन 80 साल वालों के लिए, और यहाँ पर ऑब्वियसली अगेन मुझे नहीं लगता ये सही है, अबव द एज ऑफ 80 का फंडा नहीं है, एटलीस्ट द एज ऑफ 80 का फंडा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 लाख। तो हम इग्नोर कर रहे हैं सी डब्ल्यू
के इंस्टीट्यूट के पेपर को, क्वेश्चन पेपर को थोड़ी बहुत गलतियां हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आंसर क्या आएगा, 5 लाख। चलिए ये भी होना चाहिए हमारे फास्ट ट्रैक में। आइए दिखाते हैं रेट्स ऑफ टैक्स, सारे रेट्स दिए हुए हैं। आइए स्लैब रेट, स्लैब रेट वैसे तो बेसिक एग्जम्पशन कितना है, अप टू 2.5 लाख है, लेकिन 80 साल वालों के लिए, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एटलीस्ट 80 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, बेसिक एग्जम्पशन कितना है, 5 लाख रुपए। ऑब्वियसली नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए ये सब कुछ चेंज हो रहा है, बेसिक एग्जम्पशन तो सेम है 5 लाख, लेकिन ये 25,000 की जगह 12,500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सिक्स, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट और रिफंड आर गिवन इन सेक्शन 244A। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम है। चलिए ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, फिर भी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों सेवंथ कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न है और इसमें कंप्यूटर करेक्शन करता है, और कंप्यूटर क्या करेक्शन करेगा, जो रिटर्न ऑफ इनकम में अपेरेंट है उसी को करेक्ट कर सकता है, और वो कौन सा अपेरेंट है, एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न, दिस इज अपेरेंट और यही करेक्ट हो सकता है। एट, नोटिस अंडर सेक्शन 156 इज गिवन फॉर टैक्स डिमांड, तो ये बी आंसर आएगा। नाइन्थ, एज पर सेक्शन 271H, वेर ए पर्सन फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, दैट इज TDS, TCS रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड, देन ही शैल बी लायबल टू पे पेनाल्टी अंडर सेक्शन 271H, मैक्सिमम पेनाल्टी दैट कैन बी लेवाइड इज ₹1,00,000। लेकिन ये चीज लॉ में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 271H, इसमें वो सारा कुछ कहानी लिखी हुई है, लेकिन जो पेनाल्टी के बारे में लिखा हुआ है, पेनाल्टी रेफर टू इन सबसेक्शन 1, यानी कि ये शैल बी ए सम विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू ₹1,00,000, यानी कि मैक्सिमम पेनाल्टी 1,00,000 है, लेकिन मिनिमम पेनाल्टी उन्होंने दे दिया 10,000, तो मिनिमम पेनाल्टी लग के रहेगा। तो अगेन कहानी यही है कि इसके ऑप्शंस, ये वाला बट नॉट एक्सीडिंग 10,000 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, तो वरना आंसर ए ही होगा। द थ्रेशोल्ड लिमिट, द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट फॉर इक्वलाइजेशन लेवाई इज ₹1,00,000। आइए इसका भी दिखला देता हूं मैं आपको, इक्वलाइजेशन लेवाई की कहानी। देखिए दोस्तों ये फाइनेंस एक्ट 2016 में एक चैप्टर, देखिए फाइनेंस एक्ट 2016 में आया इक्वलाइजेशन लेवाई चैप्टर 8 इक्वलाइजेशन लेवाई, जिसमें सेक्शन 163, 164, और इसी में मैं आपको एक लिमिट दिखलाता हूँ। वो लिमिट है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ दिस चैप्टर देयर शैल बी चार्ज एन इक्वलाइजेशन लेवाई एट द रेट ऑफ 6%। यस, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विस रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द प्रीवियस ईयर बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन और फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट हैविंग अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 1,00,000 रुपीज। तो आंसर क्या आएगा, 1,00,000। मैच द फॉलोइंग, सेक्शन 87A रिबेट है, और मैक्सिमम रिबेट जो मिलता है वो कितना मिलता है, 5,000 और एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लोअर, WEL, अच्छा विच एवर इज लोअर। चलिए 80GG मैक्सिमम रिडक्शन जो 80GG का मिलता है वो कितना मिलता है, 5,000। सुकन्या समृद्धि स्कीम 80C में इसका रिडक्शन मिलता है। माइनर चाइल्ड एग्जेम्पशन ₹1,500, सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में। एरियर्स ऑफ रेंट 30% रिडक्शन, सेक्शन 25A में। ठीक है, नहीं अब आइए स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इंडिया, ट्रू, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। Salary received by a member of parliament is exempt, it is false. Salary received by a member of parliament is taxable under the head other sources. ये सारा fast track में है, ये सारा fast track में है। Income of a self-occupied property cannot be negative, false. ये negative हो सकता है अगर interest on borrowed capital है तो। Maximum loss कितना हो सकता है, 2,00,000। Primary expenditure are allowed as deduction in 5 equal installments, not 10, it is false, section 35D. Capital gain arises from the transfer of any capital asset, it is true, section 45, subsection 1 में लिखा हुआ। ये सारा कुछ fast track में है, आप कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। Residential status of Indian company is always resident, irrespective of control and management of the affairs of the business. ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन सा था? Salary received by a member of parliament is exempted, is false.
देखिए दोस्तों सेक्शन 35D अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने इंस्टॉलमेंट में, लोअर डिवाइड बाय 5। ठीक है दोस्तों, आइए सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 चार्जिंग प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये भी है। अदर सोर्सेस, डायरेक्टर्स एमपीज एमएलए सैलरी इज चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year for employment outside India, the period of 60 days shall be substituted by 182 days. ये भी दिखला दूंगा मैं आपको। Scholarship received by student was 2000 per month. He spent 16,000 for meeting the cost of education. The balance 8,000 is also exempt. Third, generally income is taxable under the head house property only when the SSC is the owner of such house property or deemed owner of such house property. Fourth, salary, bonus, commission or remuneration due to or received by a working partner from the firm is taxable under the head business. Period for holding bonus shares or any other financial asset without any payment shall be reckoned from the date of allotment. ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कर लिया आपके साथ। अब मैं आपको फास्ट ट्रैक दिखला देता हूं। Exception to the basic condition check only 182 days if an Indian citizen leaves India for the purpose of employment or leaves India as a crew member of an Indian ship. उसके बाद कौन सा? ये रहा education facility salary में है. Scholarship is exempt under section 10 subsection 16. इसके बाद कौन सा है? House property. House property का charging section 22 में लिखा हुआ the annual value of building or land attached thereto of which SSC is the owner not occupying the building for his own business or profession. तो ओनर दो तरह के, रजिस्टर्ड ओनर, डीम्ड ओनर। रजिस्टर्ड मेंटेन विद द स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी और 6 केसेस ऑफ डीम्ड ओनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 27। तो ये 6 केसेस डीम्ड ओनर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, उसके बाद सैलरी बोनस वाला। फोर्थ, ये सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन पीजीबीपी का, इसका फोर्थ पॉइंट, एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन और रेमुनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म However, share of profit from firm is exempt in the hands of partners under section 10, subsection 2A. तो ये fast track की book आपको जरूरत पड़ेगी, याद रखना। अगर नहीं है, तो आप हमारे website में जाके खरीद सकते हैं।